हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप घर पर मिल्क से फेशियल कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये फेशियल काफ़ी ईजी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि इसे कैसे बनाना है। ये फेशियल आपकी टैनिंग को रिमूव करेगी, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 2 स्पून रॉ मिल्क, मींस कच्चा दूध, और मैं कॉटन लूँगी और अपनी हैंड्स पे इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी कॉटन से। फ्रेंड्स, रॉ मिल्क आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करेगा, आपकी स्किन में जितनी भी डर्ट होगी, इम्प्योरिटीज़ होगी, उसे रिमूव करेगा, आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करेगा, आपकी स्किन को रेडी करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगी और अपना हैंड वॉश कर लूँगी। सेकेंड स्टेप होगा हमारा स्क्रब। इसे बनाने लिए हमें चाहिए 2 स्पून रॉ मिल्क, और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 स्पून आटा। फ्रेंड्स, मैंने सिंपल आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं, और 1/2 स्पून मैंने चीनी ली है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फ्रेंड्स, आटा आपकी स्किन में अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा, शुगर आपकी स्किन में अच्छे से डेड स्किन को रिमूव करेगी, रॉ मिल्क आपकी स्किन में जितनी भी टैनिंग होगी उसे रिमूव करेगा, आपकी स्किन को लाइटर एंड ब्राइटन करेगा। आपको सर्कुलर मोशन में अच्छे से स्क्रब करना है, आपको रब नहीं करना। फ्रेंड्स, ये स्क्रब आपकी सब टैनिंग को अच्छे से रिमूव कर देगा। आपको धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। आपको अपने फेस पर जेंटली स्क्रब करना होता है। आप सर्कुलर मोशन में ऐसे ही स्क्रब करें और अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड स्टेप होगा फेशियल मसाज। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 स्पून बेसन और 2 स्पून रॉ मिल्क, और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 स्पून एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं पतंजलि की एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड की एलोवेरा जेल ले सकते हैं। एलोवेरा जेल आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगी, आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ये दूर करेगी। बेसन आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करेगा। रॉ मिल्क आपको मॉइस्चर देगा। आपको 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। फ्रेंड्स, मिल्क हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इस मसाज के बाद आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगी। एलोवेरा आपकी स्किन को अच्छे से स्मूथ करेगी। आपको अपने आईज़ के आसपास भी इससे मसाज करनी है, इससे आपकी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगी। आप इस फेशियल को मंथ में 2 बार कर सकते हैं। आपको ऐसे ही मसाज करनी है। और हमारा लास्ट स्टेप होगा पैक। इसे बनाने लिए हमें चाहिए 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी, और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 स्पून रॉ मिल्क के, और लास्ट में इसमें ऐड करूँगी गुलाब जल। 1 स्पून मैं गुलाब जल का ऐड करूँगी। गुलाब जल आपके पोर्स टाइट करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे रिमूव करेगी। अब मैं इसे अपने हैंड्स पर अप्लाई करूँगी। आपको इसे 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही सूखने देना है, फिर अपना फेस वॉश कर लें।
फ्रेंड्स मेरा पैक ऑलमोस्ट सूख चुका है, अब मैं इसे वॉश कर लिया है। सो फ्रेंड्स आप डिफरेंस देख सकते हैं, आप इस फेशियल को घर पर ज़रूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।